हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टुगेदर बी क्रिएटिव। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 3 वॉल डेकोर्स जो कि मैंने बनाए हैं वेस्ट मटेरियल से। और जैसे कि आप सबको पता है कि फेस्टिवल का सीज़न बस स्टार्ट ही होने वाला है, सो आप भी ये सारे DIYs बनाकर आपके घर को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये केक का बेस। ऐसे मेरे पास 3 थे तो मैंने तीनों यूज़ किए। इसका उल्टा साइड हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जेसो। जेसो को अप्लाई करने के बाद इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो देखिए ये तीनों ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले अप्लाई करेंगे कलर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 बेसेस लिए हैं, तो हम 2 के ऊपर डार्क ग्रीन कलर करेंगे और एक के ऊपर मरून कलर करेंगे। सो देखिए ये तीनों भी ड्राई हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे ये मैक्रेमे रोप और दूसरा लेंगे जूट रोप। सो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन कलर का बेस लेंगे और जूट रोप से हम बनाएंगे इसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सी बॉर्डर। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इसे यहाँ पे ऐसे स्टिक कर दिया और सेम प्रोसेस देखिए मैं जैसे बता रही हूँ उस तरीके से यहाँ पे ये बस जूट रोप को स्टिक करते जाना है और आपकी ब्यूटीफुल सी बॉर्डर रेडी हो जाएगी। देखिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस यहाँ जिस तरीके से मैं ग्लू गन यहाँ पे लगा रही हूँ और स्टिक कर रही हूँ उसी तरीके से आपको स्टिक करते जाना। और सेम इसी तरीके से हम तीनों भी केक के बेस के ऊपर ऐसी बॉर्डर रेडी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश होने आया है और लास्ट में हम देखिए इस तरीके से इसे एंड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे और हमारी ये डिज़ाइन बॉर्डर रेडी हो चुकी है। देखिए तीनों भी बन के रेडी हो चुके हैं बॉर्डर और कितने ब्यूटीफुल ऐसे ही लग रहे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे ये मैक्रेमे रोप। और देखिए मैक्रेमे रोप स्टिक करने से पहले हम सबसे पहले ग्लू गन से ही इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले एक बना रही हूँ फ्लावर। तो आपको सिंपली ग्लू गन से ही पहले डिज़ाइन बनानी है और उसके ऊपर ये मैक्रेमे रोप स्टिक करते जाना है। देखिए आप जैसा चाहे आप वैसे फ्लावर बना सकते हो उसके ऊपर। देखिए मैंने तो ये ऐसा वाला सिंपल वाला फ्लावर बनाया है सो दैट आप सब इजीली बना सकते हो। तो देखिए हमारा फ्लावर रेडी भी हो चुका है। अब हम उसकी ब्रांच बना देंगे एक। तो देखिए बस सिंपली ऐसे ग्लू गन लगाना है उसके ऊपर ये स्टिक करते जाना और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। और देखिए इसी तरीके से हम इसके ऊपर बनाएंगे 2 लीव्स। देखिए हमारा ये फर्स्ट डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी डिज़ाइन बनाएंगे। और देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ बिकॉज प्रोसेस तो सेम ही है, बस आपको आपके हिसाब से जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए वैसे बना सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ लीव्स। तो देखिए इसी तरीके से हम सारे जो लीव्स है वो बनाएंगे। और देखिए इसी के साथ हमारी सेकेंड डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुकी है और थर्ड डिज़ाइन भी हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ग्लू गन से डिज़ाइन बनाएंगे एंड देन उसके ऊपर सिंपली मैक्रेमे रोप स्टिक करते जाएंगे। और देखिए इसी के साथ हमारी थर्ड डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुकी है और तीनों डिज़ाइंस हमारे यहाँ पे रेडी है। अब हम बस इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े से मिरर सो दैट हमारा ये वॉल डेकोर थोड़ा सा और शाइनी लगे। तो देखिए ये शेप के मिरर्स लिए हैं मैंने और बस सिंपली इस जो यहाँ पे बीच में गैप लग रहा है वहाँ पर मैंने ये स्टिक कर दिए। तो तीनों भी पीसेस के ऊपर हम ऐसे मिरर्स लगाएंगे। तो देखिए बीच वाले पे मैंने स्क्वायर शेप के लिए है और यहाँ पे ये वाले दोनों ग्रीन कलर के ऊपर सेम मिरर स्टिक किए और जो मरून है उसके ऊपर स्क्वायर लिए है। और इसी के साथ हमारा ये DIY कंप्लीट हो चुका है और ये रहा उसका फाइनल लुक। आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये DIY। ओके सो चलिए चलते अब हमारे नेक्स्ट DIY पे। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है ये कार्डबोर्ड। ये जूसर का बॉक्स था उसे मैंने कट कर दिया है और इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है जेसो। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है ये एडिसिव मिरर, इसे मैंने बीच से कट कर दिया है। और नेक्स्ट ये एक सिंपल पेपर लिया है उसके ऊपर हम बनाएंगे डिज़ाइन और उसी से हम कट कर देंगे इसको और उसी से ट्रेस कर कर मिरर को भी हम कट कर देंगे। तो देखिए इसके ऊपर हम लाइंस बनाएंगे और मिरर को भी ऐसे ही कट कर देंगे। ये एडिसिव मिरर्स है, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपके पास रियल मिरर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास तो ये था तो मैंने इसी का यूज़ किया है। तो देखिए दोनों कार्डबोर्ड के ऊपर हम इसे ऐसे स्टिक कर देंगे और इसके ऊपर जो एक ब्लू शीट है वो हम बाद में निकालेंगे। नेक्स्ट मैंने देखिए यहाँ पे लिया है ये होममेड क्ले।
इसे देखिए ऐसे हम बॉर्डर देंगे क्ले से। और अगर आपको जानना है कि मैंने ये होममेड क्ले कैसे बनाया है तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन के ऊपर वो वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उसे बाद में चेक कर लेना। तो देखिए यहाँ पे पूरे मिरर के साइड में हम सबसे पहले इसकी क्ले की बॉर्डर बना देंगे। और देखिए मेरे पास कटर नहीं है तो मैं तो यहाँ पे स्केल से कट कर रही हूँ, आपके पास कटर होगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए सिंपली हमें फेविकॉल से ये क्ले को इसके बॉर्डर के ऊपर स्टिक करते जाना है। तो देखिए हमारा जो बॉर्डर है मिरर की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो स्केल की हेल्प से ही देखिए मैंने ऐसे इसके ऊपर डिज़ाइन बना दी। अब हम कार्डबोर्ड का जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी क्ले से हम बॉर्डर बना देंगे और वैसे ही हम डिज़ाइन इसके ऊपर भी स्केल से बना देंगे। अब इसके अंदर भी एक और लाइन हम बना देंगे, एक और बॉर्डर बना देंगे। और देखिए अब इसके ऊपर यहाँ पे मैंने लिया है ये पेन की रिफिल और उसका जो बैक साइड है उससे ऐसी डिज़ाइन बना रही हूँ उसके ऊपर। तो देखिए पूरा क्ले का वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे कलर। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये ग्रीन कलर और हम इसी से इसका जो बेस है पूरा वो कलर कर देंगे। देखिए हमारा कलर कंप्लीट हो चुका है, बस पर इसे हम दो कोट्स लगाएंगे। देखिए दो कोट्स लगाने के बाद ऐसे दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर की जो शीट है वो निकाल कर देखेंगे कि ये निकल रही है या इजीली, क्योंकि उसके ऊपर हमने थोड़ा सा क्ले लगा दिया था तो ये निकल रही है। तो अब हम इसके ऊपर ही रखेंगे सो दैट उसके ऊपर कोई धूल ना बैठे। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये स्क्वायर शेप के मिरर्स और ये मैंने क्ले से ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, उसको हम यहाँ पे स्टिक करते जाएंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे हम क्ले से फ्लावर बनाते जाएंगे। देखिए ऐसा बनने के बाद हम स्केल लेंगे और इसके ऊपर ऐसी लाइन बनाते जाएंगे। तो देखिए हमारा क्यूट सा फ्लावर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हम पूरे इसके ऊपर ऐसे वन बाय वन फ्लावर्स बनाते जाएंगे और स्टिक करते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन बना देंगे इसकी। और देखिए ऐसे ही वन बाय वन थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम ये फ्लावर्स बनाते जाएंगे। देखिए हमारा ये फ्लावर वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है ये ट्रायंगल शेप के मिरर्स और इसे भी हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे स्टिक करते जाएंगे। और देखिए हमारा ये पूरा जरो का रेडी हो चुका है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे कलर। तो यहाँ पे मैंने लिया है येलो कलर। तो हम जो फ्लावर्स है और जितना भी क्ले का वर्क किया है हमने उसके ऊपर हम ये येलो कलर कलर कर देंगे। अब देखिए हम इसकी जो शीट है वो निकाल देंगे और देखिए हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया और देखिए दोनों कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये DIY भी कंप्लीट हो चुका है और ये रहा उसका फाइनल लुक। आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ओके सो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट DIY पे जो कि है लास्ट DIY। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड का ट्रायंगल शेप्स। आप साइज़ आपके हिसाब से रख सकते हो बड़ा या छोटा। तो देखिए मैंने इतना साइज़ का लिया है। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया जेसो जो कि ड्राई हो चुका है। अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़े से कलर्स यूज़ किए हैं। देखिए मैंने मोस्टली स्पार्क फेविक्रिल के पर्ल्स कलर यूज़ किए हैं तो उसमें एक थोड़ा सा शाइन रहता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाला ब्लैक कलर यूज़ किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर और बस सिंपली देखिए ऐसे कलर करते जाना। ये बहुत ही इजी वाला DIY है बट बनने के बाद बहुत ही क्लासी लगता है। तो देखिए यहाँ पे सारे जितने भी ब्लू के शेड्स हैं आपके पास वो यूज़ कर सकते हो और बीच में मैंने एक मेटेलिक कलर भी यूज़ किया है। नेक्स्ट वाले के ऊपर हम सबसे पहले ऐसे डिज़ाइंस बनाएंगे एंड देन उसके अंदर हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। आप ये डिज़ाइंस भी रैंडम बना सकते हो। तो देखिए डिज़ाइनिंग कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे कलर फिल करते सेम उसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने पर्ल्स का ग्रीन कलर यूज़ किया है और ये जब ड्राई हो जाएगा तो ये थोड़ा सा एक शाइनी लुक देते हैं ये कलर्स। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्लू ब्लैक कलर, ये भी पर्ल ब्लैक कलर है। ऐसे बहुत सारे कलर्स मिलते हैं हमको उसके अंदर। और नेक्स्ट मैंने ये अगेन ये मेटेलिक कलर यूज़ किया है। सेम इसी तरीके से पूरे कलर्स फिल कर देंगे और थर्ड वाले के ऊपर भी हम ऐसे ही कलर फिल कर देंगे। देखिए आप रैंडम डिज़ाइंस बना सकते हो इसके अंदर और इसे हैंग कर सकते हो। तो देखिए कितना क्लासी लगेगा। अगेन यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर लिया है और बस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए ऐसे
कलर फिल कर दिया। ये मैंने ना सारे DIYs ऑनलाइन देखे थे, बट मैंने इसके अंदर सारे खुद के आइडियाज़ ऐड किए हैं। तो देखिए, आप भी ऐसे सारे DIYs बना सकते हो घर पर। देखिए, यहाँ पे मैंने पर्ल्स का सिल्वर कलर लगाया है। देखिए, हमारे सारे तीनों डिज़ाइंस रेडी हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट है मेन स्टेप। यहाँ पे मैंने लिया है ये गोल्डन कलर। गोल्डन कलर से बस सिंपली आपको यहाँ पे बॉर्डर लाइंस देने हैं। जितने भी डिज़ाइंस बनाए हैं हमने, उसको बस बॉर्डर लाइन देना है ये गोल्डन कलर से। और जब फाइनल लुक होगा तो आप देखना इसमें कितना चेंज लगता है गोल्डन कलर से। देखिए, ऐसे ही सबके ऊपर हम बॉर्डर लाइन बनाते जाएंगे। देखिए, इन तीनों के ऊपर गोल्डन कलर लगाने के बाद आता है हमारा फाइनल स्टेप, जो कि ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है ये पेपर स्टिक्स, और इन्हें बस इनके साइज़ के हिसाब से कट करना है। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम ये ब्रॉन्ज मेटेलिक कलर। तो देखिए, ये कलर हो चुका है ड्राई। अब हम यहाँ पे लगा देंगे ये स्टिक्स। तो ग्लू गन की हेल्प से हम इनको बॉर्डर दे देंगे। और देखिए, इसी के साथ हमारा ये थर्ड DIY भी कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, ये रहा उसका फाइनल लुक। आप मुझे ज़रूर बताना आपको ये वाला DIY भी कैसा लगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।